मौत के गणपति घाट पर नहीं थम रहा हादसों का सिलसिला। गणपति घाट पर ब्रेक फेल, ट्राला, कंटेनर भिड़ा, दोनों वाहनों में लगी भीषण आग, एक जिंदा जला, एक गंभीर घायल। पूर्व में भी भयानक टक्कर में 15 से अधिक लोगों की जिंदा जलकर हो चुकी है मौतें। धार जिले के रावखल घाट फोर लेन के गणपति घाट पर बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे भीषण हादसा हो गया, जब घाट उतर रहा ट्राला अनियंत्रित होकर डिवाइडर को चढ़ने वाली लाइन में जा घुसा और इंदौर की ओर आ रहे कंटेनर से जा टकराया। टक्कर लगते ही दोनों वाहनों में आग लग गई, जिसमें ट्राला पलट गया और कंटेनर का केबिन चलते हुए दूर जा गिरा। दुर्घटना में ट्राले के ड्राइवर की जलकर मौत हो गई, वहीं कंटेनर के ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार घटना रात्रि 1 बजे के लगभग, जब यूरिया भरा ट्राला क्रमांक 1H18BG3672 घाट उतर धामनोद की ओर जा रहा था, अचानक अनियंत्रित होकर चढ़ने वाली लेन में जा पहुंचा और कंटेनर क्रमांक MP40HA0197 से जा टकराया। टक्कर लगते ही दोनों वाहनों में आग लग गई। घटना की जानकारी लगते ही धामनोद थाना प्रभारी अमित सिंह कुशवाहा और काकरदा चौकी प्रभारी मिथुन चौहान मौके पर पहुंचे। यहां धामनोद धर्मपुरी से फायर बुलवाकर वाहनों में आग बुझाई गई। घटना के बाद इंदौर की ओर जाने वाली लाइन को बंद कर एक ही लेन से ट्रैफिक चलाया गया। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं चोटिल चालक मुजफ्फर के अनुसार वो मुंबई से चलकर इंदौर की ओर जा रहा था कि अचानक सामने से ट्राला आ गया। वे कुछ समझते इतनी देर में टक्कर मार दी। हालांकि वे तुरंत तो कूद गए और बाल बाल बचे, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। गौरतलब है कि मौत के गणपति घाट पर जिंदा जलकर मरने वालों का सिलसिला नहीं थम रहा है। अभी तक धार जिले में 1.5 किलोमीटर के मार्ग पर 400 से अधिक मौतें हो चुकी है। केंद्र सरकार ने भी घाट पर दुर्घटना रोकने के लिए गंभीरता से लेते हुए एक नई लाइन का निर्माण किया जा रहा है। याद रहे कि पूर्व में भी भयानक टक्कर में वाहनों में भीषण आग लगने से 15 से अधिक लोगों की जिंदा जलकर मौतें हो चुकी है। भारतीय न्यूज के लिए जफर अली की रिपोर्ट। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। इंदौर जा रहे थे, हाथ में हम चढ़ रहे थे, ऊपर से बॉडी गाड़ी आया जो मेरे को मारते हुए, दोनों गाड़ी जल रही। तो आपको कोई चोट तो नहीं पहुंची? मेरे को चोट है ना। और आपके साथ आप अकेले थे और भी कोई था? अकेले। क्या शुभ नाम आपका? शुभ नाम मुजफ्फर अंसारी। कहाँ रखने वाले आप? झारखंड JH। मैं भी रात को अपने परिवार के साथ इंदौर से आ रहा था। जैसे मैंने घाट पे देखा कि गाड़ियाँ जल रही, मैं मौके पहुंचा। मैं भी धामनोद रहता हूं, मुझे लगा कि कोशिश करना चाहिए। मैंने अपने जो मिलने जुलने वाले थे उन्हें खबर करी। घाट पर इतनी बुरी स्थिति है कि जितना हम कहें कम है। अभी तक जानकारी अनुसार 15 से अधिक लोग वहाँ जल के मर चुके हैं, 400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। हालांकि जो जानकारी मिली है उसके लिए वैकल्पिक रोड बनाया जा रहा है, लेकिन जब तक नहीं होगा प्रशासन को उसके रोकने के लिए उपाय किए जाना चाहिए। क्योंकि जो हादसा होता है, गाड़ी जलती इतनी विवश होती है कि उसको देख के हम सिहर जाते हैं, बहुत दुख होता है उस पर हमें। जब आग लग रही थी तब फायर ब्रिगेड और पुलिस की क्या व्यवस्था थी? पुलिस, फायर ब्रिगेड आ चुकी थी, पुलिस भी मौके पर थी। धामनोद और काकरदा के अधिकारी थे, मेरी उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने भी कोशिश की थी। फायर ब्रिगेड से ट्रक को भुजाया गया। मुझे जानकारी मिली कि एक उसमें जिंदा जल के मर गया था और एक को मामूली चोट थी, उसे धामनोद के अस्पताल में भर्ती किया गया था। पूरा नाम आपका? मेरा नाम मनीष छाबड़ा। जी, देर रात गणपति घाट में गाड़ियों के टकराने की वजह से एक हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति का शव जली हुई स्थिति में यहाँ लाया गया, जिसे मॉर्चुरी बॉक्स में रख दिया गया है। व्यक्ति की पहचान नहीं हुई, इसलिए अभी परिजनों के उसके आने तक जो है पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अब बाद में पुलिस के कहने पर पोस्टमार्टम किया जाएगा। सर, इसमें और कोई घायल भी आया है? जी, एक व्यक्ति और घायल हुआ है, लेकिन वो गंभीर नहीं है, उसका इलाज कर दिया। आपका पूरा नाम और पता? डॉक्टर जयदीप जैन, मेडिकल ऑफिसर, CHC। Subscribe now to most exciting channel ever.